गाइस जब से जियो ने इंडिया के अंदर 5G के ट्रायल्स किए हैं, लोगों का जो 5G के लिए एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। क्योंकि अगर इंडिया के अंदर कोई सबसे पहले अगर 5G सर्विसेज लेकर आ सकता है तो वो डेफिनेटली जियो ही है। अब ऐसे में अगर आप एक न्यू स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक रिक्वायरमेंट आपका ये भी हो जाता है कि वो 5G कंपेटेबल डिवाइस होना चाहिए। क्योंकि 25,000 के प्राइस बजट में अगर आप कोई फ़ोन खरीदोगे तो जाहिर सी बात है कि आप 1-2 साल तो उसको यूज़ करोगे और उसके बाद इंडिया में 5G लॉन्च हो जाएगा, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि आपका डिवाइस 5G कंफर्टेबल हो। क्योंकि ऐसे में अगर आप एक 4G डिवाइस ले लेते हो तो आप 5G सर्विसेज का मजा नहीं ले सकते। कितना ही महंगा डिवाइस हो आप उसमें 5G सर्विसेज यूज नहीं कर पाओगे, तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी जैसे अभी के टाइम 3G फोन्स की है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप अपकमिंग 5G स्मार्टफोन्स जो आपको आने वाले कुछ मंथ में इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं रियलमी के X7 डिवाइस के साथ में, जो Realme की तरफ से आने वाला सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको इस डिवाइस के साथ में MediaTek Dimensity वाले चिपसेट इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो ये डिवाइस MediaTek Dimensity 820U के चिपसेट के साथ में आएगा, जो कि बजट सेगमेंट में काफी पावरफुल 5G चिपसेट है। इसके अलावा इस फोन में आपको 6.4 इंचेस का एक AMOLED डिस्प्ले मिलेगा एक सिंगल पंचुअल कटआउट के साथ में, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ में देखने को मिलेगा। बैटरी को लेकर बात करें तो 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जहां पर आपको 65 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है। अगर प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात करें तो ये तो कंफर्म है कि ये डिवाइस इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, क्या पता नवंबर मंथ में देखने को मिल जाए। और जो प्राइसिंग है वो 20,000 से 25,000 के आसपास बताई जा रही है, तो यार प्राइसिंग के अकॉर्डिंग तो स्पेसिफिकेशंस काफी जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। अब रियलमी सीरीज के अंदर इस डिवाइस का एक प्रो वेरियंट भी इंडिया में लॉन्च कर सकता है, जहां पर आपको 6.4 इंचेस का एक सुपर AMOLED पैनल देखने को मिलेगा। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो डिस्प्ले होगा ये 120Hz के हायर रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। रियर साइड में आपको वही क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैटरी 4500 mAh की देखने को मिलेगी अलोंग विद 65 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। बट प्रोसेसर जो कि बहुत ही पावरफुल होगा, क्योंकि ये डिवाइस आएगा MediaTek Dimensity 1000 प्लस के चिपसेट के साथ में। प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस 30,000 के प्राइस सेगमेंट पर देखने को मिलेगा। अब अगर आप Realme के कोई 5G डिवाइस लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इन दोनों डिवाइस को कंसिडर कर सकते हो। अब अगर नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो वो है Realme का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi की, जहाँ पर आपको Redmi Note X या फिर Redmi Note 10 सीरीज बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिल सकती है, जहाँ पर आपको बहुत ही कमाल के स्पेक्स देखने को मिलते हैं, लाइक 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल, जो कि 120Hz के हायर रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। बेसिकली सीरीज में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। जो बेस वेरिएंट होगा वहां पर आपको 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, और जो प्रो वेरिएंट होगा वहां पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिल सकता है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4820 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर भी आपको MediaTek Dimensity वाले चिपसेट देखने को मिलेंगे इनबिल्ट 5G सपोर्ट के साथ में। प्राइसिंग 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप Xiaomi ब्रांडिंग के अंदर एक 5G डिवाइस लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इन दोनों डिवाइस को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, जो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A42, जो कि सैमसंग की ब्रांडिंग के अंदर इंडिया में सबसे चीपेस्ट डिवाइस हो सकता है, जहां पर आपको 6.6 इंचेस का इन्फिनिटी यू सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप, फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का एकदम न्यू 5G चिपसेट, 5000 mAh की बैटरी, 15 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। इसके अलावा डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। ये डिवाइस बताया जा रहा है कि इंडिया में 30,000 के प्राइस बजट पर लॉन्च हो सकता है, और इस प्राइस बजट पर ये एक बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशंस आपको ऑफर करता है, तो सैमसंग लवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। गाइज अब एक ऐसा डिवाइस जो अगर इंडिया में लॉन्च हुआ तो डेफिनेटली जो कॉम्पिटिशन है उसको एक तरफा कर देगा, क्योंकि ये डिवाइस इंडिया में वन ऑफ द चीपेस्ट डिवाइस होगा जहां पर आपको 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये डिवाइस इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है। ये डिवाइस अंडर 20,000 के प्राइस बजट पर मोस्ट अफोर्डेबल 5G डिवाइस होगा, क्योंकि यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 का चिपसेट देखने को मिलता है,
डिस्प्ले में आपको 6.5 इंचेस का एक IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। कैमरास को लेकर बात करें तो रियर पैनल में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा एक नई डिजाइन के साथ में, जहां पर प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जहां पर आपको 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर ऑक्सीजन OS देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इस डिवाइस को लेना पसंद करेंगे। ये डिवाइस 20,000 के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हो सकता है इनकेस अगर OnePlus इस डिवाइस को इंडिया में लॉन्च करे। फिलहाल के लिए देखो कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, बट अगर ये डिवाइस इंडिया में लॉन्च हुआ तो 20,000 के प्राइस बजट में ये वन ऑफ द बेस्ट 5G डिवाइस हो सकता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अब आप इन सारे फोन्स में से कौन से डिवाइस को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और लिस्ट में अगर कोई नया डिवाइस आता है तो मैं आपको अपने चैनल पर डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।